नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिरसा के पंजाब पैलेस में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्ण देव कंबोज ने की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम के तहत लोगों से किया सीधा संवाद। इसी दौरान कर्ण देव कंबोज ने दिया बड़ा बयान। मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम में लोगों को मिलती है दायित्व पूरा करने की प्रेरणा। कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा। विपक्ष चौकीदार को चोर बता करके देश में मचा रहा है हल्ला। कांग्रेस के एक जुटता कार्यक्रम पर ली चुटकी। कांग्रेस मेंढकों की धड़ी। मेंढकों को कभी एकत्र नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का निकला है दिवालिया। छोटी छोटी सभाओं में भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को आना पड़ रहा है। इनेलो और जजपा पर भी सीधा निशाना साधा। आप देख रहे पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। देश भर में 500 जगहों पर इसी तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रूबरू हुए और सीधे कार्यक्रम में भाग लिया। इसी कड़ी में सिरसा में भी मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्ण देव कंबोज ने शिरकत की। कंबोज ने मीडिया से सीधी बातचीत करते हुए कहा कि मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम आम लोगों को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देता है। वहीं विपक्ष बेकार में चौकीदार को चोर बता करके देश में हल्ला मचा रहा है। कर्णदेव कंबोज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल मेंढकों का धड़ा है। मेंढकों को कभी एकत्र नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो अब इतनी पतली हालत हो चुकी है कि छोटी छोटी जनसभाओं में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, वे केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनेलो और जेजेपी पर भी हमला बोलते हुए कर्णदेव कंबोज ने कहा कि वो अपने बिखराव को तो संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्राइवेट दुकानें बंद हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज मैं भी चौकीदार हूँ, ये कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर, सभी जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम जो है ना आयोजित किया जा रहा है, और करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा जो है आज प्रधानमंत्री जी के साथ लोग, मैं भी चौकीदार हूँ इस मुहिम में, उनके साथ जुड़ करके उनके साथ खड़े हैं। और चौकीदार है क्या? आज बहुत से लोग जो है, आज विपक्ष के लोग कह रहे हैं चौकीदार को गालियां दे रहे हैं, चौकीदार चोर है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। चौकीदार एक इस प्रकार का एक मैं कहता हूँ दायित्व है, जो हर समय कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जो भी काम करता है, जो भी उसकी जिम्मेवारी लगी है, उस काम को ठीक प्रकार से करना, उसकी निगरानी करना, यही चौकीदार है। अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से उसका पालन करना, इसको ही चौकीदार कहते हैं। और आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 2014 में जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला और जिस प्रकार से देश की निगरानी की है, हर छोटी छोटी बात को जो है उन्होंने देखा है, उसकी चौकीदारा किया है और उस समस्या को किस प्रकार से निपटाना है उसके ऊपर काम किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। वाकई में ये देश उनके हाथों में जिस प्रकार से सुरक्षित है, जिस प्रकार से एक चौकीदार जिसकी जिम्मेदारी